अगर आप भी बसों और टैक्सियों में सफर करते हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आपकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम जो है वो टैक्सी को लेकर और बसों को लेकर उठाए हैं। अब वो क्या कदम है, इस चीज की जानकारी मैं दूंगी आपको। देखिए, दरअसल आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि आप बस में अकेले सफर कर रहे हैं, टैक्सीज में अमूमन तौर पर आप अकेले ही सफर करते हैं, चाहे आप वो किसी भी साइट से अपनी टैक्सी बुक कराएं। कई बार ऐसा होता है कि मुसीबत जो है वो कस्टमर्स को आ जाती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे में कस्टमर्स को समझ ये नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्राइवेट टैक्सीज होती है, इससे कई ज्यादा क्राइम्स भी हो रहे हैं। हालांकि हम सबके लिए नहीं कहते हैं, बट आपने देखा है कि कुछ खबरें ऐसी भी रिकॉर्ड की जाती हैं जिसमें कि क्राइम जो है वो टैक्सीज में होते हैं या बसेज में होते हैं। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला उठाया गया है जिसमें कि अब आप लोग टैक्सीज में और बसेज में पैनिक बटन दबा सकेंगे। अब वो पैनिक बटन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दरअसल पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे ही आप वो बटन दबाएंगे, पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। सिर्फ वो बटन दबाने की देर है, उसके अलावा आप लोग जो है बटन दबाने के अलावा आप लोगों को किसी को भी फोन नहीं करना है, अपनी कोई लोकेशन नहीं भेजनी है, पर डायरेक्ट पीसीआर आपके पास पहुंच जाएगी या पुलिस वैन आपके पास पहुंच जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, आपको 112 नंबर पर कॉल करने की जगह जो है वो मोबाइल नंबर बताने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। पहले देखें, आप ऐसी अगर मुश्किल वाली सिचुएशन में पड़ जाते थे तो आपको 112 नंबर पर कॉल करना होता था, अपनी लोकेशन बतानी होती थी, बट आप ऐसा कोई भी झंझट नहीं होगा। आप देखें, भारत सरकार का जो मैं अभी फिलहाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की बात करूं तो इस पर अभी फिलहाल दिल्ली सरकार ने सबसे पहले ये फैसला लिया है, और दिल्ली में सबसे पहला ये फैसला जो लिया गया है इसे देखा जा रहा है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के साथ मिलकर दिल्ली की बसों और टैक्सियों में जल्द ही ये पैनिक बटन इंस्टॉल किया जाएगा। इस पैनिक बटन के जरिए जीपीएस से आपके सिग्नल खुद ही ट्रेस कर ली जाएगी। बसेस और टैक्सीज में जीपीएस इंस्टॉलेशन की जाएगी, जिससे कि जैसे ही आप पैनिक बटन प्रेस करेंगे, आपके साथ की जो पीसीआर वैन होगी या फिर पुलिस कंट्रोल रूम होगा, वहां पर आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी, और पैनिक बटन अगर आप दबाएंगे तो तमाम जानकारियां जो है वो वहां तक पहुंच जाएंगी। इसके जरिए जो है वो आप लोग इजिली पुलिस आप तक पहुंच जाएगी, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम वहां पर आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है जिसके बाद दिल्ली में सबसे पहले इसे इंस्टॉल किया जा रहा है, और उसके बाद वहां पर रिस्पॉन्स देखने के बाद जो है, क्योंकि क्राइम रेट्स ज्यादा उसी जगह पर नजर आते हैं, और वहां पर रिस्पॉन्स देखने के बाद धीरे धीरे ऐसे हो सकता है कि बाकी के जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। पर महिलाओं की सेफ्टी के लिए तो ये बहुत अच्छा कदम है, और सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी ही नहीं बल्कि सेफ्टी तो सभी की जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज को, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देख रहे हैं ऑल टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।